क्या आपको पता है कि स्कूल बस के कलर पीले ही क्यों होते हैं? और क्या आप जानते हैं कि कुछ इंजेक्शन हाथ में और कुछ इंजेक्शन कमर पे क्यों? और एक ऐसी बीमारी है जो 5000 साल पुरानी है, जो पहले भी लोगों को हुआ करती थी और आज भी हो रही है। नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे अमेजिंग गजब के फैक्ट जिसे जान के आप बोलेंगे इट्स टॉप नॉच। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल डी टेक को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी टॉप वीडियोस लाता रहूं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल की बस और गाड़ी पीले ही रंग की क्यों होती है? तो वही मैं आज आपको बता दूं कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की स्कूल की बस पीले रंग की होती है। दरअसल बात ऐसी है कि 1827 में लंदन में पहला स्कूल खोला गया था और 1827 से 1939 तक स्कूल बसों का कोई स्पेशल कलर नहीं डिसाइड था। वहीं 1939 में अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई गई और उसमें डिसाइड किया गया कि स्कूल बस का एक स्पेशल कलर होना चाहिए। और फिर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पता लगाया कि जो पीला रंग होता है ये सभी रंगों के बजाय काफ़ी दूर से दिखता है, यहाँ तक कि लाल रंग से भी डेढ़ गुना ज़्यादा दूर से दिख जाता है। और पीले रंग की ये भी खासियत है कि पीला रंग रात में भी दिखता है और कोहरे में भी पीले रंग को अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। और आपको तो पता ही होगा कि हमारे जो स्कूल्स होते हैं वो सुबह सुबह ही खुल जाते हैं और एक्सीडेंट ना हो इसलिए पीले रंग को च्वाइस किया गया स्कूल की बसों के लिए। फैक्ट नंबर 4, आप सब कभी ना कभी तो बीमार हुए ही होंगे और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जब इंजेक्शन लगाने की बात करता है तो आप सब के मन में ये जरूर चल रहा होगा कि ये इंजेक्शन हाथ में लगाएगा या फिर कमर में। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ इंजेक्शन हाथ में और कुछ इंजेक्शन कमर में क्यों? दरअसल बात ऐसी है कि जब दवा पतला होता है तो डॉक्टर उस इंजेक्शन को हाथ में लगाता है और दवा पतला होने के कारण वो हाथ की नसों के साथ काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। और वहीं पे जब दवा मोटा होता है तो उसकी जो फैलने की शक्ति होती है, गति होती है, वो बहुत कम होती है, इसलिए डॉक्टर उसको कमर में लगाता है। फैक्ट नंबर 3, आप सब कई सारे कार कंपनियों के बारे में जानते होंगे जो कंपनी कार बनाती है, पर क्या आपको पता है ये जो कार्स हैं मर्सिडीज़, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, बजाज, होंडा, आखिर ये सब किसके नाम पे रखे गए हैं? वहीं हम आपको बता दें, दरअसल बात ऐसी है ये सब जो नाम्स हैं ना, लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी, बजाज, होंडा, ये सब किसी के नेम नहीं है। दरअसल जो इन कार कंपनियों के फाउंडर हैं ना, ये सब उनके सरनेम्स हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पर रेगिस्तान और समुद्र आपस में मिलते हैं? दरअसल आपको बता दें कि ये जगह 5 करोड़ साल पुराना है और यह जगह नाम्बिया के वेस्ट पोस्ट में स्थित है। इसकी फोटो आपको डिस्प्ले पे दिख रही होगी, इट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 1, आप सब कई सारे रोगों के बारे में जरूर सुने होंगे, पर क्या आपको पता है कि एक ऐसा रोग है जो 5000 सालों से होता आ रहा है? दरअसल हम बात कर रहे हैं चेचक रोग के बारे में। ये एक ऐसा रोग है जो सदियों से होता आ रहा है, मतलब पहले के लोगों को भी ये रोग होता था और आज 5000 साल बाद भी लोगों को ये रोग होता आ रहा है। लेकिन पहले के समय में इसका इलाज नहीं हुआ करता था, पर आज के समय में इसका इलाज हॉस्पिटल में आसानी से हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। आपको इसमें से सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही टॉप वीडियोस लाता रहूं।